हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने कल के क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सो टुडे वी विल स्टडी कि हमारे ओवरी के पोजीशन के आधार पर हमारे फ्लोरल का क्या पैटर्न है, वो सब एक एक करके हम लोग ही पढ़ने वाले हैं। सो इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लिप्स, यहाँ देखेंगे तीन तरह के होते हैं आपके, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। नाउ हाइपो मीन्स क्या होता है, बीनीथ, ठीक है, नीचे। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस में बात करते हैं। हाइपो मीन्स मैंने क्या बताया, नीचे। पेरी मतलब आसपास। पेरी आपके जो वर्ड बने हुए हैं, पेरीफेरल से बने हुए हैं या पेरीमीटर से बने हुए हैं। जैसे आपने पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल बोला, मीन्स आपने उसके बाउंड्री की बात की है, यानी कि आसपास। हाइपो मीन्स बीनीथ, नीचे। ईपी मीन्स अपॉन। नाउ हाइपोगाइनस की बात करते हैं। जब पेटल्स बताया था क्या कि आपके जो पंखुड़ी होते हैं फूलों के, उसे पेटल्स कहा गया है। सेपल्स कौन, जो पंखुड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें सेपल्स कहा गया है। पेटल्स के कलेक्शन को हमने कोरोला कहा था। सेपल्स के कलेक्शन को हमने क्या कहा था, कैलेक्स कहा था। जब पेटल्स, सेपल्स और स्टैमेन, जब स्टैमेन यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हमने क्या स्टैमेन कहा है, जो कि सिचुएटेड होते हैं बिलो द ओवरी विल बी सुपीरियर, ठीक है। हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स आपके बिलो होते हैं, इसलिए हमने इसको हाइपोगाइनस कहा है। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल आर द एग्जांपल ऑफ योर हाइपोगाइनस। नाउ पेरीगाइनस की बात करते हैं। पेरी मतलब चारों तरफ। इन इट द थैलमस ग्रोज अपवर्डली एंड फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर। गाइनोसियम जो होते हैं इसमें सिचुएटेड होते हैं सेंटर में, और अदर पार्ट्स क्या होते हैं, आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, ठीक है। ये आपके सेम वर्ड एनसीईआरटी में भी लिखे रहेंगे। अब बात करते हैं एपिगाइनस की। तो देखो एपिगाइनस में हमारा क्या दे रखा है, जो थैलमस का हमारा मार्जिन है, ठीक है, इसे हम लोग इन्फीरियर ओवरी भी कहते हैं, यानी कि ओवरी का जो पार्ट है नीचे रहेगा, बाकी सारे इसे क्या कर रहेंगे, फ्यूज होके इसका कंप्लीटली घेर लिए होते हैं। द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट। और जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, राइज करते हैं ओवरी पे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कुकुम्बर, हमारा रे फ्लोरस ऑफ सनफ्लावर इनके एग्जाम्पल हैं। देखो हाइपोगाइनस में क्या होता है ना, हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी में हम लोग काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके जो ओवरी वाले पार्ट होते हैं ऊपर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे दिस वन इज योर ओवरी, ठीक है, ओवरी वाले पार्ट ऊपर है, बाकी सारे पार्ट इसके क्या होते हैं, नीचे होते हैं। व्हेन पेटल्स, सेपल्स एंड सेमेन आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी, ठीक है, ओवरी के जब नीचे है, ओवरी का पोजीशन कैसा है, ऊपर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। इस वाले कंडीशन में एपिगाइनस में सारे पार्ट ऊपर और आपके ओवरी क्या है, नीचे, इसलिए इसके क्या कहा गया, इनफीरियर ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, हमने पोजीशन के आधार पर बताया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था कैलेक्स कोरोला के बारे में। दिस वन इज योर कोरोला बिकॉज पेटल्स के कलेक्शन को मैंने कोरोला बताया था। नाउ एस्टिवेशन पे देखते हैं। देखो एनसीईआरटी में ऐसे फिगर बना रखा है, सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हमने क्या कहा है यहाँ पर, एस्टिवेशन। दिस वन इज योर वाल्वेट, दिस वन इज योर इम्ब्रिकेट, दिस वन इज योर वैक्सिलरी। वॉल्वेट का एग्जाम्पल हमारा क्या है, कैलाट्रोपिस। एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो पेरियांथ, जब भी पेरियांथ वर्ड रहेगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लिली डालना, इसलिए इसका फैमिली क्या होते हैं, लिलियसी होते हैं। व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन, जब कैलिक्स और कोरोला के बीच में कोई अंतर हम लोग नहीं कर पाते हैं, मीन्स वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं पेरियांथ। इंडिविजुअल पेरियांथ सेगमेंट को हमने टेपल कहा है, और ग्रीन जो टेपल्स होते हैं सेपलॉइड्स कहते हैं। मेनली याद करना है क्या, पेरियांथ किसमें होते हैं, आपके लिली फैमिली में, सो हमने क्या कहा इसे, लिलियसी फैमिली। अब एंड्रोसियम, देखो एंड्रोसियम डेट इज योर मेल सेक्स ऑर्गन इन द प्लांट। बताई थी कि मेल गैमेट जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन, मेल गैमेट ह्यूमन के केस में और प्लांट के केस में हम इसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। ये आपका होल स्ट्रक्चर स्टैमेन कहलाता है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को एंथर एंड दिस वन इज योर स्टैमेन, और ये हमारा क्या कहला रहा है, फिलामेंट। यहाँ हमारे क्या है, एंड्रोसियम है, ये जो आपके बल्जिंग पोर्शन है येलो वाले पोर्शन, यही हमारे एंड्रोसियम कहलाते हैं, और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं।
ये आपके बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लोब दूसरा दो लोब। क्लास 12 में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा एंड्रोसियम के बारे में, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और क्या बोलते हैं इसमें, बाइलोब्ड के साथ साथ इसमें टेट्रा मतलब चार खाली स्पेस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर उस सैक यानी कि खाली जगह के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन स्टोर होते हैं। इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, ओके। नाउ दिस वन इज योर गाइनोसियम। देखो गाइनोसियम मैं बता देती हूँ, गाइनोसियम को हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर पिस्टिल कहते हैं, दैट इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोसियम के अंदर हमारे क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट को हमने क्या कहा है, स्टिग्मा। ये हमारे क्या है, स्टाइल, एंड दिस वन इज योर ओवरी। नाउ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हमने क्या क्या अलग अलग पार्ट्स बताया है, पूरा को मिला के क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ठीक है, या कार्पल भी कहते हैं। बिल्कुल, अब प्लांट के अंदर जो सबसे बेस्ट प्राइमरी पार्ट यही होते हैं, बाकी जो आपके एसेसरी पार्ट होते हैं वो आपके पेटल्स, सेपल्स वगैरह होते हैं। इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं, बता दिया। द ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट इन गाइनोसियम, द कंडीशन इज योर मोनोकार्पल। जब एक कार्पल प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग मोनोकार्पलरी कहते हैं, जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीकार्पलरी। क्लियर हो गया। जब कार्पल, इफ ऑल द कार्पल आर इन मल्टी सेल कार्पलरी कंडीशन, मतलब बहुत सारे कार्पल को ला करके आपने फ्यूज कर दिया, ठीक है, उस कंडीशन में हमने क्या कहा है, इसे सिनकार्पस बोला है। और जब अलग अलग फ्री होते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे कार्पल अलग अलग हैं लेकिन हैं, ठीक है, उसे हमने एपोकार्पस कहा है। लेकिन अगर बहुत सारे हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज कंडीशन में है, उसे हमने क्या कहा है, सिनकार्पस। प्लासेंटेशन देखेंगे, मार्जिनल, पराइटल, सुपरफेशियल। देखो एनसीईआरटी में आपके मार्जिनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल मटर दे रखा है, दैट इज योर पी पाइसम सैटिवम। मार्जिनल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलोकुलर ओवरी। देखो यहाँ पे ओवरी आपके सिंगल है, ये क्या होते हैं, मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके लेगुमिनेसी प्लांट हैं चाहे वो पी ही क्यों ना हो, वो उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पराइटल, पराइटल मतलब देखो पेरीफेरी वर्ड या पराइटल वर्ड सेम ही है, मतलब आपके साइडर, ठीक है ना, पेरिफेरल पोर्शन पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूनिलोक्युलर होते हैं, एक लोक्यूल ही है यहाँ पर। सिनकार्पस है, यानी कि सिनकार्पस यानी कि बहुत सारे कार्पल आकर के मिले होंगे, फ्यूज हुए होंगे और क्या हो गए हैं आपके सिनकार्पस। इसमें जो होते हैं ओव्यूल जो होते हैं डेवलप करते हैं कहाँ पे, इनर वॉल में, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना, कुकरबिटा आर्जिमोन, किस फैमिली से, क्रूसीफेरी फैमिली से। ये जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है सुपरफिशियल वाला, पर एक बार देख लेंगे। सुपरफिशियल, दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम। एग्जाम्पल हमारा क्या है, लिम्फी है, सॉरी लिली निम्फी। एक्साइल वाले देखेंगे, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, नींबू, ठीक है, नींबू हो गए, टमाटर हो गए। इस वाले केस में हमें क्या देखने को मिलते हैं कि एक क्या होते हैं कि आप जब से कट करोगे तो आपको एक चैम्बर टाइप दिखेगा, ठीक है, और अलग अलग चैम्बर दिखते हैं। मल्टी कार्पलरी होते हैं, बहुत सारे कार्पलर हैं और कैसे हैं, फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसा ओवरी है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। नाउ इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। चलो अब देखेंगे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होते हैं कि ये बीच में अपने सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, नाम में देखो फ्री सेंट्रल दे रखा है। इसका एग्जाम्पल आपका प्राइमरोज डायन्थस है। दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड इन सिनकार्पस गाइनस। देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल याद करना ना भूलें। ओके, नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। चलो लास्ट वन इज योर बेसल। देखो बेसल में पढ़ते हैं क्या,
कि आपके जो बेसल पोर्शंस होते हैं इस आप कैसे कर सकते हो कि आप जब कोई आते हैं आपके घर तो आपसे फूलों से क्या करते हो, वेलकम करते हो, उनके कदमों के नीचे एंड उनके बेस पे क्या करते हो, फूल गिराते हो। उसमें कौन सा फूल? सनफ्लावर हो गया, आपके मैरीगोल्ड हो गया। सनफ्लावर किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? डेट इज योर एस्टेरियसी फैमिली। सो ऐसे करके हम लोग कोई भी ट्रिक बना करके सारे एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी नेसेसरी। नाउ फ्रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। देखो फ्रूट की जो मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रूट क्या होते हैं? जो आपके राइपेंड होते हैं ओवरी, उसी को हमने क्या कहा है यहाँ पर? फ्रूट कहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? एक आउटर वॉल होते हैं, कोई भी फ्रूट है तो उसके बाहर क्या वॉल होगा, बीच में हमारे क्या होंगे? सीड्स होंगे। नाउ जो सीड्स होते हैं वही क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? फ्रूट्स के द्वारा, यानी कि फ्रूट के वॉल के द्वारा। अब कुछ के अंदर अब देखेंगे, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक ग्रेप्स, बनाना। ठीक है, सीडलेस फ्रूट भी उन्हें कहा जाता है। और फ्रूट आपके क्या कैसे बनते हैं? आपके फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं आपके बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, और उस फ्रूट्स को क्या कहते हैं हम लोग? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। गॉट इट? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहा जाता है? जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होते हैं? बन जाते हैं। नाउ फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द फ्रूट इज डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी, द फ्रूट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। जब हमारे फ्रूट कहाँ से डेवलप करते हैं? ओवरी से डेवलप करते हैं, तब उसे हमने क्या कहा है? ट्रू फ्रूट कहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंगो, कोकोनट, जीजीपस। वहीं फॉल्स फ्रूट कैसे कहते हैं? सबसे पहले याद रखना एप्पल। हजारों बार नीट ने क्वेश्चन पूछा है कि फॉल्स फ्रूट के बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हमारे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पियर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि हमने अभी क्या बोला कि जब ओवरी के द्वारा क्या होते हैं फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन स्यूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? इन प्लेस ऑफ ओवरी, ओवरी के जगह थैलमस ही क्या हो गए? इलोंगेट कर गए, या इनफ्लोरेसेंस या कैलिक्स। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके थैलमस का जो इलोंगेशन होता है वो हमारा क्या होता है? एप्पल होता है। कीप कमेंटिंग, पता चलना चाहिए, पढ़ रहे हो। नाउ अब देखेंगे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। देखो इससे नीट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी का कोई और अंत नहीं होता है। सो एक एक करके देखेंगे। देखो सिंपल फ्रूट, जहां सिर्फ एक ही फ्रूट होते हैं उसे हमने क्या बोला है? सिंपल फ्रूट। डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी, देखो एक कार्पल के द्वारा, या सिनकार्पस यानी कि फ्यूज हुए कार्पस के द्वारा जो ओवरी के द्वारा बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? वन फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में हम लोग देखेंगे क्या? जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बहुत सारे प्रेजेंट है तो फ्यूज होके तो बनेगा नहीं, वो अलग अलग ही होंगे। सो देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है और सारे अलग है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? एपोकार्पस ओवरी। ठीक है, सिंगल फ्रूट के अंदर ही एपोकार्पस। वही अब देखो मल्टीपल के अंदर क्या दे रखा है? डेवलप्स फ्रॉम मेनी फ्लावर और इंटायर इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा ही क्या होते हैं? ये बनते हैं। यानी कि ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके क्या हो, बहुत सारे बने हुए हैं, इसलिए से मैंने क्या कहा है? मल्टीपल ओवरी। ये नीट में हजारों बार पूछे हुए क्वेश्चन है कि ड्रूप किसे कहते हैं, बेरी किसे कहते हैं, प्रोम किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं। नाउ एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रूप, ड्रूप जब भी याद आए मैंगो को याद करना। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्लेसी होते हैं। कहाँ से डेवलप करते हैं? मोनोकार्पलरी। ठीक है, एक ही फ्रूट्स के द्वारा हम लोग का उसे खाने को मिल जाता है। मोनोकार्पलरी साथ में कैसे होते हैं? सिनकार्पस, मीन्स इनके ओवरी कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्या यहाँ पर सिचुएशन दिया है? सिनकार्पस का। नाउ इनके तीन लेयर होते हैं, देखो पेरिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। ना जो पेरिकार्प या एक्सोकार्प होते हैं, यहाँ पे जो आपके मेजोकार्प होते हैं यही कोकोनट के अंदर भी यही पार्ट मिलेंगे। ड्रूप के अंदर मैंगो एंड कोकोनट रहेंगे, लेकिन यहाँ का जो मेजोकार्प है वो फ्लेसी रहेगा, और वहीं आपके कोकोनट के अंदर क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे, फाइबरस रहेंगे, स्टोनी रहते हैं। बेरी का एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं क्या होता है? दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरी। ये हमारा क्या है? बेरी है। ये क्या होते हैं? सिंपल फ्लेसी फ्रूट है, जस्ट लाइक मैंगो। और ये भी क्या होते हैं? मोनोकार्पलरी, जस्ट लाइक मैंगो, और पॉलीकार्पलरी,
सिनकार्पस ओवरी, ठीक है, या तो ये मोनो भी हो सकते हैं या तो पॉली हो सकते हैं। देख लो यहाँ पर सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे हमें क्या लिख रहा है, लॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। यार ईपी कार्प फॉर्म्स स्किन, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प फॉर्म्स पल्प। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपकी जो आउटर लेयर ईपी कार्प है वो क्या कर रहे हैं, इनके स्किन फॉर्म कर रहे हैं। मेजोकार्प एपिकार्प फॉर्म्स द स्किन मेजोकार्प, एपिकार्प के द्वारा ही मेजोकार्प का स्किन बनाया जा रहा है। और जो आपके एंडोकार्प होते हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, पल्प फॉर्म कर रहे हैं। और पल्प में क्या होते हैं, इन द पल्प द सीड रिमेन्स स्कैटर्ड, आपके जो सीड होते हैं वो क्या रहते हैं, स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इसमें बात करेंगे पोम, ये क्या होते हैं आपके सिंपल फ्लेसी फॉल्स फ्रूट होते हैं। सो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आपके पोम हो गए। कैप्सूल में देखना ये क्या होता है, ड्राई डेहिसेंट, मतलब जो आपके ड्राई वाले फ्रूट्स होते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। नाउ लेग्यूम में देखना, देखो लेग्यूम में भी क्या होता है, ड्राई डेहिसेंट टाइप ही मिलेंगे। चलो अब मॉर्फोलॉजी की सीड की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। देखो सीड कैसे बनते हैं, ऑब्वियस ही आपके क्या होते हैं, सीड बनते हैं। सीड जो होते हैं कवर्ड होते हैं किससे, सीड कोट के द्वारा, और इनक्लोज करते हैं पार्शियली रियल स्पोरोफाइटिक प्लांट को, ठीक है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब वैसे प्लांट जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होते हैं उसको नॉन एंडोस्पर्मस कहते हैं या एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, ठीक है। और जिसके पास से आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वैसे सीड्स जिसके अंदर आपके एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसे एल्बुमिनस कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखेंगे, ये हमारा सीड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने बताया था इसी एम्ब्रायो के द्वारा ऊपर जाते हैं तो प्लूमिल बनता है, नीचे जाता है तो रेडिकल बनता है, ठीक है। डाइकॉट के स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि इसमें दो कॉटिलेडन देखने को हमें मिल रहा है। नाउ इसी कॉटिलेडन के अंदर हमारे क्या होते हैं, यही एंडोस्पर्म होते हैं। और वैसे सीड्स जिसके अंदर एंडोस्पर्म होते हैं उसे हमने क्या कहा था, एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस, और जिसके अंदर नहीं होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस नॉन एल्बुमिनस। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।